क्लास सिक्स के मेरे सभी छोटे भाई बहनों को नमस्ते, जय हिंद। हमने पूरा इसका इंट्रोडक्शन कर चुके हैं। नॉविंग आवर नंबर्स का एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी है, एक्सरसाइज 1.2 भी कंप्लीट हो चुकी है। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3, और 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल। जब भी हम ऐसा क्वेश्चन देखते ना, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इनको ना सीधा ऐड कर आ जाते हैं। कैसे करते हैं बताता हूं, देखो आपको, हंसना मत। देखो कैसे करके आते हैं, 730998 और इनको ऐड कर देंगे, ठीक है ना, 17। और घर पे आके कहते हैं, मम्मी बिल्कुल सही करके आया हूं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आपसे एस्टिमेट पूछा जा रहा है। जब आपसे एस्टिमेट पूछा जा रहा है तो एस्टिमेट निकालो ना। तो देखो 730 का राउंड ऑफ क्या होगा, हंड्रेड्स में 700 भाई, 750 से ऊपर होता तो 800 लेते, 750 से नीचे है तो 700 लेंगे, 998 950 से ऊपर है तो इसका क्या हो जाएगा, राउंड ऑफ 1000। सर समझ में नहीं आया, वापिस समझो। देखो बहुत बार हम क्या करते हैं, गलती करते हैं। जैसे 730 राउंड ऑफ आपने ले लिया 700, अब आप कहोगे सर समझ में नहीं आया, 998 का राउंड अप लिया 1000, ये भी नहीं आया। तो ये देखो एक बार चीज समझना और डीपली चलते हैं, आओ चलते हैं। जैसे ये 749 है, है ना, और ये है 751। अगर मुझे 749 का राउंड अप लेना है, क्योंकि 750 से कम है, तो ये राउंड अप आएगा किसमें, 700 में, और 751 का जो राउंड अप आएगा ये आएगा 800 में। अब तो आपको क्लियर हो ही जाना चाहिए, अभी भी क्लियर नहीं हो रहा तो बादाम च्यवनप्राश हल्दी वाला दूध सब कुछ पीने स्टार्ट करो। चलो आगे बढ़ते हैं, तो हमें क्या करना है, इसका राउंड अप करना है। तो राउंड अप करने के बाद ये आया, दोनों को ऐड कर दो, यही तो कह रहा है ऐड करना है, तो 1700 खत्म, आंसर आ गया। नेक्स्ट 796 और 314, तो 796 का जो राउंड अप होगा ना आपका, वो होगा 800, और 314 का 100 में ले रहे, ध्यान रखना 314 का कितना हो जाएगा 300, माइनस करना है माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 500। ध्यान रखना एस्टिमेट लेने के बाद हमें सॉल्व करना है, पहले मत कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट फर्स्ट का सी पार्ट देखो, 129042888 12904। तो देखो इसका राउंड अप जो हो जाएगा ना, ये कितना हो जाएगा आपका 13000, सबसे नियर पाई तो इसी के है ये, और 2888 इसका राउंड अप क्या हो जाएगा आपका 3000, तो इनको ऐड करो तो कितना आ रहा है आपका 16000। समझ में आ रहा ना कैसे राउंड अप कर रहे हैं, समझो, है ना। तो 3 और 10 ज्यादा लग गया, ठीक है, ओके ना। चलो 129094, अब देखो सपोज करो ये 129094 है, अगर ये ऐसे होता 12128 तो इसको ना 12000 में लेते हैं, समझ रहे हो मेरी बात। अगर ये 500 से ऊपर है इसलिए इसको ले लिया उधर, अगर 500 से कम होता तो 12000 में लेते हैं। एक एक चीजें डीपली समझा रहा हूं, क्योंकि एस्टिमेशन में क्या होता है कि ना बहुत गलतियां होती है बच्चों से, हमारे छोटे मोटे भाई बहनों से। 28292 इसका राउंड अप कितना हो जाएगा आपका 30000, जोर से बोलो 30000 सर। 21496 का राउंड अप क्या हो जाएगा इसका 21000, क्या कह रहा है ये, इसका 30000 और इसका 21000, तो देखो इसको माइनस करने के लिए कह रहा है ना आपका ये, तो इसका माइनस करने पर ये कितना हो जाएगा आपका, इसका 28 होगा, सॉरी है ना, 30000 का ये जो है ना 30000 तो ज्यादा हो जाएगा क्योंकि 292 है, तो ये हो जाएगा आपका 28000, ठीक है ना। देखो अब ये गलती हो गई, ये गलती क्यों हुई, देखो 28292 अगर ये आपका देखो 500 से कम है ना, इसलिए इसको लेंगे 28000 में, और ये तो आपका 21 ही, तो माइनस करने पर ये आ रहा 7000, ठीक है ना। चलो ध्यान रखना जब भी डिजिट को चेंज करो तो पता होना चाहिए हमें। ये है आपका फर्स्ट और हम करेंगे अब सेकंड, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपको, गिव ए रफ
वो जो फर्स्ट क्वेश्चन कराया ना मैंने, उसके नीचे एक लाइन लिखी हुई कि 10-10 एग्जांपल करो, तो करना जरूर है ना। चलो, गिव अ रफ एस्टीमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100। तो ये कह रहा है कि एक बार तो नियरेस्ट 100 निकालो इसी नंबरों को, और एक बार टेंस में निकालो। तो निकाल लेते हैं, है ना, एक बार हंड्रेड्स में और एक बार टेंस में। तो सबसे पहले 439 का राउंड अप क्या होगा, देखो 100 में, 100 में जीरो कितने होते हैं, दो जीरो होते हैं आपके। देखो समझना, अगर ये 450 या 451 होता तो इसका जो राउंड अप हो जाता ना आपका, वो 500 हो जाता। ये है 439, 450 से कम है, तो ये नियर बाय किसके आ रहा है, 400 के आ रहा है। तो ध्यान रखना, ऐसे करके मैं आपको ना एक एक एग्जांपल एक्स्ट्रा समझा रहा हूँ ताकि आपके और डाउट क्लियर हो जाए, डाउट क्लियरिंग सेशन की जरूरत ही ना पड़े। 439 राउंड अप ऑफ, तो 439 का राउंड अप क्या हो जाएगा आपका, 400, क्या बात है। 334 का राउंड अप क्या हो जाएगा आपका, कितना, 300। भैया अगर ये 350 है, 350 से ज्यादा होता ना तो फिर 400 में लेते, समझे। 100 में जीरो कितने होते हैं, दो, तो दो दो जीरो भी आ गए, बहुत बढ़िया। 4317 का राउंड अप क्या हो जाएगा, इसका राउंड अप हो जाएगा आपका 4300, ठीक है ना। सबको ऐड करना है तो कर दो, यहाँ पर एक एक जीरो और चिपका दो, 4317, समझ में आया ना, तो इसलिए इसको ले लिया 4300। अगर ये 350 होता तो ये फिर आपका हो जाता 4400। चलो, तो इनको ऐड करने पर कितना आ रहा आपका, 5000 आ रहा, बहुत बढ़िया, शानदार, मजेदार। 439 इसका राउंड अप लेना है टेंस में, टेंस में एक एक जीरो होता ना आपका, तो 439 ये सबसे नियर बाय किसके आ रहा, 40 के, ये 39, 40 के आ रहा, 44 34 सबसे नियर बाय किसके आ रहा, ये 30 के, तो ये हो जाएगा 330। भैया अगर ये ऐसे होता, 334 है तो इसको, ये सबसे नियर बाय किसके आ रहा है, 30 के आ रहा ना, अगर ये ऐसे होता 335 तो फिर इसको लिखते हैं 340, ये ऐसे होता 336 तो इसको लिखते हैं 340, ठीक है ना। चलिए, फिर डाउट क्लियर हो गया, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये हो जाएगा 330 और ये 4317, तो 17 20 के नियर बाय आ रहा ना, तो ये हो जाएगा 4320। सबको ऐड कर दो जीरो, यहाँ पे भी एक एक जीरो लगा दो, 439 ये हो जाएगा, और 43 प्लस 7, 7 प्लस 2 9, और ये कितना हो जाएगा आपका 10, और कैरी 1, तो ये हो जाएगा 5090। बहुत बढ़िया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। सेकंड का बी देखेंगे, देखो इसको आपको राउंड अप में लेना है हंड्रेड्स में और एक बार टेंस में। तो देखो 108734, 34 को देखो, तो देखो ये किसके नियर बाय आ रहा है आपके, 108700, ठीक है ना, और ये किसके हो जाएगा आपका 99, देखो सबसे नियर बाय किसके आ रहा है, तो ये हो जाएगा 47600, ठीक है, तो ये इसको माइनस कर देंगे, तो ये आ रहा 001, और ये भी आपका 1, और ये आपका 6611100, ये 100 में, टेंस में करो तो 34, तो ये क्या हो जाएगा 108730, और ये 99, तो ये तो आपका 47600 ही होगा, तो माइनस कर दो 03116611306110, हंड्रेड्स और टेंस। चलो नेक्स्ट सी पार्ट देखेंगे हम इसका, 8325, इसका देखो राउंड अप कितना हो जाएगा, लास्ट का देखो 325, तो कितना हो जाएगा 8300, है ना, और आपको माइनस करना है, तो ये कितना, इसका राउंड अप कितना हो जाएगा आपका 500, तो ये हो जाएगा आपका 7800, समझ में आ रहा है ना कैसे आया, देखो 500 के नियर बाई है ना, 450 से ज्यादा, 8325, 25 को देखो, मैंने क्या कहा था 25 या 25 से ज्यादा हो तो उसके आगे का राउंड अप लेंगे, तो देखो 8330 और 91 तो किसके नियर बाई है, 90 के है ना, तो 490, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4, और ये 12 में से 4 गए तो 8, और ये हो जाएगा 7840, 7800। एक लास्ट और बाकी है इसका, स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट से। नेक्स्ट देखना, सेकंड का डी है आपका 489348, तो इसका राउंड अप क्या हो जाएगा, लास्ट का देखो 348 है ना, तो ये हो जाएगा 489, कितना, 350 से कम है, तो ये हो जाएगा 300, ठीक है। 48365, 350 से ज्यादा है ना, तो ये हो जाएगा 48400,
माइनस करो तो ये आ रहा 009, ये 0 और ये 4 और ये 4, समझ में आ रहा है ना सभी को? ओके, 489348, इसका राउंड अप निकालो। ये तो था हंड्रेड्स में, ये है टेंस में। 48 देखो 45 से ज्यादा है ना, तो देखो किस में आएगा, 50 में आएगा ना, तो 489350, और ये 65 इसमें आएगा, 70 में 48 और 370, माइनस कर दो 08, 12 में से 3 गए 9, और ये हो जाएगा 0444098 0। इसको सही लिख देता हूँ 8 को। चलो अपने पास डस्टर भी, देखो बजट बहुत है पीवीएस लर्निंग चलन का। ये हो जाएगा आपका 48, ठीक है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, इसका जो थर्ड क्वेश्चन है ना वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा आपका। फटाफट से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, आगे की रामायण बाद में। चलिए पीवीएस लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को बताओ कि पीवीएस लर्निंग चैनल से जुड़े, मस्ती से पढ़ाई करो, नो टेंशन, बिकॉज हम आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।